बिहार आईटीए कैट 2022 सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है, उसे आप यहां पर रनिंग मैसेज में भी देख पाएंगे। यहां पर पब्लिश सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ आईटीए कैट 2022 सेकेंड राउंड इज नाउ अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। इसे देखने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा, डाउनलोड सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ आईटीए कैट 2022 आप यहां पर देख पाएंगे, या तो इसके अलावा आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आ सकते हैं। आने के बाद आपको यहां पर भी ऊपर के साइड में और यहां पर भी पब्लिश नोटिस में आप यहां पर देख पाएंगे एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 2 फॉर आईटीए कैट काउंसलिंग 2022 आप यहां पर देख पाएंगे। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, आप यहां पर जा सकते हैं। इसके बाद आप देख पाइएगा यहां पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपको काउंसलिंग लिखा रहेगा बिहार आईटीए कैट काउंसलिंग 2022 आप देख पाएंगे। यहाँ से आपको यूजर आईडी में आपको क्या करना है कि आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है, यहाँ रोल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। पासवर्ड में आपको वही पासवर्ड फिलअप करना है जो आप काउंसलिंग के समय बनाए थे, आपको वह पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है। सही सही पासवर्ड फिलअप कीजिएगा जिस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाए होंगे। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पर आना है, यहाँ से आपको अपना रोल नंबर डाल के आप अपना मोबाइल नंबर पर या तो ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगा कर अथराइज करके पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। जब आप अपना पासवर्ड सही से फिलअप कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है, यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पिन लिखा गया है उसी को आपको यहाँ फिलअप करना है। जैसे ही सारा डिटेल को फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने सारा डिटेल को फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन का बटन है, आपको इस साइन इन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। साइन इन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पूछा गया कि आप किस पर ओटीपी मंगाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पे। जो भी आपके पास एक्टिव होगा आप उसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यदि ईमेल आईडी पर मंगाना हो तो फर्स्ट वाला चूज करेंगे, यदि मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मंगाना हो तो आप यहाँ पर सेकेंड वाला चूज करेंगे। ओटीपी मंगा कर आप यहाँ से ओटीपी फिलअप करेंगे, फिलअप करने वजह से ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा, आप वहाँ से अपना सीट अलॉटमेंट ऑर्डर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने पेज में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार आईटीए कैट काउंसलिंग 2022 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको अपना डिटेल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी सीट प्रोवाइड कराया गया होगा आप यहाँ से अपना सीट को देख पाएंगे। यदि आपको कोई सीट प्रोवाइड कराया गया है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग को इनकम्प्लीटेड लिखा रहेगा यदि आपको सीट मिला होगा तो। यदि आपको कोई भी सीट नहीं मिला रहेगा तो आपको यहाँ पर कोई भी न तो इनकम्प्लीटेड और न ही कम्प्लीटेड कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, आपको वहाँ पर सीट नहीं मिलेगा। यदि आपको ऐसा लिखा गया है तो आपको सीट मिल गया है, आपको देखना है कि आपको कौन सा सीट मिला है। जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको जो भी सीट मिला होगा आपका सारा डिटेल यहां पर आ जाएगा कि आपको प्रोग्राम नेम यानी कि आपको कौन सा आईटीए में सीट प्रोवाइड कराया गया है। तो आप यहां पर देख पाएंगे इलेक्ट्रीशियन एनसीबीटी इनको सीट दिया गया है। आप यहां पर देख पाएंगे राउंड नंबर यानी कि कौन से राउंड का है, तो सेकेंड राउंड का है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का तो एडमिशन हो चुका है, अब सेकेंड राउंड का यहाँ पर सीट आया है, आप यहाँ पर ध्यान से चेक कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल गया, अब आपको विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा। तो विलिंगनेस सबमिट करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस बार आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग विलिंगनेस सबमिट करेंगे, यदि आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर विलिंगनेस पर क्लिक करके अपना विलिंगनेस सबमिट कर लेंगे। आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को ऑथराइज करा दीजिएगा। तो यहाँ पर देख पाइएगा इनका विलिंगनेशन आज ही के डेट में सबमिट कर दिया गया है 9 सितंबर 2022 में। इसके बाद इनको क्या करना है कि अपना
डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर कर लेना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनको जो है देख पाइएगा, यहाँ पर डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर करने का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से ही अपना डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद इनको जो भी डेट को बुलाया जाएगा जाकर अपना डीवी करा के एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पाइएगा इनका पूरा प्रॉपर यहाँ पर देख पाइएगा जानकारी खुलकर आ गया है। और नीचे के साइड में देख लीजिएगा यहाँ पर इनको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके ये अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इनको देख पाइएगा यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सारा अलॉटमेंट ऑर्डर का, जो कि फर्स्ट राउंड में आपको जैसा मिला था उसी प्रकार आपको सेकेंड राउंड में भी दिया गया है कि सेकेंड राउंड का ऑप्शन देखने को मिल गया यहाँ पर। उसके बाद नीचे आते जाइएगा तो आपको यहाँ पर देख पाइएगा वो किस डेट को बुलाया गया है। तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, इनको कहाँ बुलाया गया है, रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ है, ITI सुपौल में है, कब बुलाया गया है, रिपोर्टिंग डेट क्या है। इनको 11 सितंबर 2022 को बुलाया गया है, इनका ऑटो ऑपरेशन स्टेटस नो है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर इनको जो सीट प्रोवाइड कराया गया है UR के द्वारा इनको सीट दिया गया है, इनका UR में कैटेगरी में UR में इनको 68 रैंक था, ठीक है। तो इनको सीट मिल गया है सेकेंड राउंड में। अब इनको आगे क्या करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पाइएगा, आपको बताया गया है कि आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लाना पड़ेगा, यानी कि DD। जाएंगे ये बैंक में कहेंगे कि सर हमें DD बनवाना है 980 रुपये के, तो वो पूछेंगे किनके नाम से डीडी बनवाना है। तो आपको जो भी यहाँ पर लिखा गया है आपके अलॉटमेंट ऑर्डर पर इनका लिखा गया है ITI प्रिंसिपल ITI उध किशनगंज मधेपुरा, आपका जो भी लिखा रहेगा यह बैंक में बताइएगा कि इनके नाम से हमको DD चाहिए, ठीक है। तो वो आपको DD बनवाकर दे देंगे। यदि मान लीजिए आपके पास DD नहीं बनता है तो आप कैश भी लेकर जाएंगे तो वहाँ पर कैश एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब परेशानी होगा क्या कि सर मेरा तो जिस डेट को रिपोर्टिंग है उस डेट को एग्जाम है तो हम क्या करें। तो आप लोग का जिस डेट को रिपोर्टिंग है उसी डेट को एग्जाम है, तो उसके लिए आपको कब जाना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश डेट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको पुनर्निर्धारित तिथि में था 9 सितंबर 2022, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसी डेट को आप लोग का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी भी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख पाइएगा कि आप लोग अपना DV के लिए अलॉटमेंट ऑर्डर कब से कब तक डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी डेट दिया गया है 9 सितंबर 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक आप लोग अपना सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप लोग को डेट दिया गया होगा तो। उसके बाद देख पाएगा DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 10 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक आप लोग को DV के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी का 11 सितंबर 2022 को DV के लिए बुलाया गया है, लेकिन उस डेट को उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है या कोई एग्ज़ाम है, वो नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या कब जा सकते हैं, तो उनको देख पाइएगा लास्ट डेट आपका जब दिया गया है ना, लास्ट डेट 15 सितंबर 2022, इससे पहले पहले आप जाकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको दिया गया है 14 सितंबर 2022 दिया गया है, ठीक है, तो आप 11 सितंबर को नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझ चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।